एजुकेटर है, ये बच्चों के साथ मिलकर उनको चीजें अनुभव कराते हुए सिखाती हैं। मरियम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में अंडरग्रेजुएशन की है और फिर उन्होंने जामिया मलिया से सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री भी ली है। एक्सपीरियंशियल एजुकेटर होने के साथ साथ वो सोशल वर्क में भी बहुत रुचि रखती हैं, और जो भी समस्याएं होती है जैसे कोविड का हमारे भी चल रहा है इशू, तो कोविड के समस्या के रिलीफ फंड में भी उन्होंने रिलीफ वर्क में भी काफी एंगेज रही है मरियम। उनकी एक संस्था है जिसका नाम सीड है, जो इस साल मई में 2 साल कंप्लीट कर लेंगी। इन 2 सालों में सीड ने 6 साल से लेकर 24 साल के छात्रों के साथ प्रोग्राम्स किए हैं और टीचर ट्रेनिंग भी की है। बाकी अब हम मरियम से जानते हैं उनके बारे में। मरियम, हेलो। हाय, तो मरियम, इससे पहले कि हम ये समझें कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन आप किसको कहती हैं, जैसे कि आकांक्षा ने मेंशन किया कि आप अभी कोविड के टाइम पर जो लॉकडाउन हो रखा है उसके रिलीफ का भी काम कर रही हैं, तो उसके बारे में अगर आप 2-3 मिनट कुछ बताएं हमें कि आप क्या कर रही हैं और आप क्यों कर रही हैं। तो बेसिकली अक्षय, द पॉइंट इज कि हम लोग अभी पिछले 1 साल से मेरा ज्यादा काम दिल्ली में था, तो दिल्ली लखनऊ मेरा होम टाउन है, तो लखनऊ और दिल्ली के बीच स्विच करते रहते हैं हम लोग काम। बट क्वारंटाइन के समय हम लोग घर आ गए थे एंड वी जस्ट रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनके लिए इस समय वायरस से ज्यादा भूख एक बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर हम लोग इसको इजिली एड्रेस कर पाए, बिकॉज हमारे पास एक संस्था है जो रजिस्टर्ड है और हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस देखे जिसमें था कि अगर आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है तो आप पासेस ले सकते हैं, आप आसानी से काम कर सकते हैं और लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्सो कंसिडरिंग द प्रॉब्लम कि क्योंकि वायरस है और वो सभी के लिए डेंजरस है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि थोड़े प्रिकॉशंस ऐसे लेते हैं कि अपने एरिया से स्टार्ट करते हैं, तो प्रोबेबली हमें कम ट्रैवल करना पड़ेगा और हम कम लोगों से इंटरेक्ट करके सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू करी फंड रेजिंग, और हम लोगों ने एक पैकेज जो ड्राई राशन होता है उसका बनाया, जो एक हफ्ते के लिए 5 लोगों की फैमिली में लास्ट कर सकता है। एंड उसका हमने जो लगभग प्राइस लगाया वो था 890 रुपीज, कंसिडरिंग द बेसिक प्राइस ऑफ वट एवर कमोडिटीज वी आर बाइंग। तो जो भी हम सामान ले रहे हैं, जैसे उस पैकेट में है 4 किलो चावल या 5 किलो आटा, 3 किलो दाल, 1 साबुन, थोड़े स्पाइसेस, नमक, शकर, तो ये करके हमारे पास 890 तक का एक पैकेज का एवरेज था। एंड बहुत जेनरसली लोगों ने एक हफ्ते में अराउंड मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने फंड भेजे हम लोगों के पर्टिकुलर अकाउंट पे, और हमारी संस्था को लाइक इन अ वीक हम लोगों ने, या आप कह सकते हो 1.5 हफ्ते में, वी रेज्ड कुछ 6,46,000 रुपए, जिसमें हम लोग अराउंड 750 तक के टारगेट को मैच कर पा रहे थे। एंड देन समथिंग अमेजिंग हैपेंड दैट वी गॉट अ कॉल फ्रॉम 2-3 पीपल जिन्होंने हम लोगों से कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा राशन है, या वो खरीद लेंगे और वो कैश नहीं देना चाहते, वो राशन में डील करना चाहते हैं। एंड वी वर वेरी वेलकमिंग टू दैट स्टेप, क्योंकि हमें ये लगा कि ओ गुड, हम एटलीस्ट अपना 1,000 का जो हमने टारगेट शुरुआत लिया है वो पूरा हो जाएगा। और फिर उस राशन को मिला के आज हम लोगों ने, लाइक इफ आई टॉक अबाउट टुडे, आज हम लोगों ने 1,400 फैमिलीज को रीच आउट कर लिया है, एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 5 पीपल इन ईच फैमिली, तो हम हजारों लोगों तक हम लोगों ने ये राशन पहुंचा दिया है। और जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि शायद लॉकडाउन अभी थोड़ा और लंबा चलेगा, तो इस पर्टिकुलर बैच के बाद जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो शायद हम दूसरा फंड रेजर भी करेंगे, क्योंकि एक्चुअली रियल प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब जो लोगों के पास पिछले महीने के पैसे भी थे वो भी खत्म हो रहे हैं, और अगर हम सब अपने आसपास देखें तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है। तो प्रोबेबली आज 1,400 खत्म होने के बाद अब हम मई की बिगनिंग से वील स्टार्ट अनदर फंड रेजर, सो दैट वी आर एबल टू रीच आउट टू मोर फैमिलीज। तो पहले तो मरियम, आई थिंक बहुत बहुत थैंक यू ये करने के लिए हम सबकी तरफ से। काफी जो हमारे दोस्त हैं यूट्यूब पे, पहले तो आपको हाय कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड तो इवनिंग, हेलो एवरीवन। पहली बात तो आई थिंक वेलकम आपको, और थैंक यू आपको टाइम देने के लिए। आप दो ट्रेड्स को पढ़ाएंगी भी इस एंटरप्रेन्योरशिप पायलट में, लेकिन
इससे पहले कि हम आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाएं, और मेरे को मालूम है आपके सीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत, और मैं ये समझता हूँ कि ये काम करना जरूरी क्यों है जो आप रिलीफ के लिए भी कर रही हैं अभी, लेकिन ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ओके, सो बेसिकली मेरा एक बहुत बेसिक सा मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षमता में कोई चीज है तो आपको वो जरूर करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम बैकग्राउंड या आप एक ऐसे आप कह सकते हो एक ऐसे जगह से आते हो जहां आपके लिए चीजें आसान हैं, तो आपको आसानी दूसरों में पहुंचानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे साथ इस पे डिबेट और डिस्कशन हुआ। आई हैड फ्रेंड्स हु मैसेज मी, यू आर गोइंग क्रेजी, यू शुडंट बी डूइंग दिस, व्हाई आर यू रिस्किंग योर लाइफ एंड ऑल, बट आई वाज लाइक अगर इफ नॉट अस देन हु, क्योंकि जो गरीब हैं या जो फंसे हुए हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, एंड द रियलिटी ऑफ अ कंट्री इज कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बीच में आना ही पड़ेगा इन चीजों को आगे ले जाने के लिए। तो इफ वी हैव दैट थिंग विद अस, तो क्यों ना उसको इस काम में भी यूज करा जाए। इन फैक्ट सीड, वैसे हम लोग एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में काम करते हैं, पर हम लोगों ने इससे पहले भी जैसे हमारा दान उत्सव होता है या कुछ भी ऐसा होता है जिसमें वी नो कि हम यहाँ पर एक बदलाव ला सकते हैं या किसी तक थोड़ा आराम पहुंचा सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू दैट। एंड देन आई थिंक मेरे क्रेडिट से ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है मेरी अमेजिंग वॉलंटियर टीम को। आप सोचो, 2 साल से देर हैव बीन पीपल हु आर वर्किंग विदाउट टेकिंग अ पेनी, और वो बस प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं, उनकी कोई भी एक्सपर्टीज है, दे आर लाइक या वी आर अप फॉर इट, लाइक दिस इज दिस पर्टिकुलर फंडरेजर इज वेरी पर्सनल बिकॉज ऑल द 8-9 पीपल हु वर्क्ड विद मी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय कजिन्स, सो एवरीवन इज एट होम। तो कोई बोर्ड क्लास में है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, एंड एवरीवन इज लाइक हाँ हम आ जाएंगे। और ये बच्चे, इन्होंने दिन रात पैकिंग करी है, इन्होंने दिन रात चीजें संभाली हैं, लिस्टिंग करी है और ये वो, तो इट्स बिन 2 वीक्स की ये बच्चे लगे हुए हैं। तो आई थिंक आपके इनिशिएटिव के साथ आपको एक ऐसी टीम भी मिल जाए तो इट्स अ बोनस, और ये चीज तभी मुमकिन हुई जब इतने सारे लोग एक साथ जुड़कर ये काम करने लगे। तो आई थिंक आई एम लकी इन दैट मैटर कि अगर आप कोई ऐसा क्रेजी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आपके आसपास भी लोग ऐसे हैं जो इस चीज का रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं। तो या मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए आपने बोला, और आई थिंक यूट्यूब पे भी आ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे दोस्तों को पहले अगर सिंपलीफाई करके ये बता सकती हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? ओके, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जो लोगों से बनी हुई हैं, लोगों के लिए काम करती हैं और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, इन द सेंस कि सरकार ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को या उन संस्थाओं को नहीं बनाया है, लोगों ने अपने इनिशिएटिव से उन्हें बनाया है। हाँ, ऐसा होता है बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में कि सरकार से उन्हें फंड्स मिलते हैं, लेकिन ये पूरा जो इनिशिएटिव होता है, ये जो वो एक मुहिम चलाते हैं या कोई भी शुरुआत कर रहे हैं, वो लोगों से, लोगों के द्वारा ही आती है। तो आप इसको एनजीओ का नाम दे सकते हैं जो कि हो गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको ट्रस्ट कह सकते हैं, आप अलग अलग लोग इसको ट्रस्ट के तरीके से रजिस्टर कराते हैं, सोसाइटीज के तरीके से रजिस्टर कराते हैं, एनजीओज के नाम से रजिस्टर कराते हैं, और ये अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं, कहीं भी जहां लोगों को किसी तरीके का फायदा पहुंचाना है। फॉर दैट मैटर इवन काफी सारी ऐसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जानवरों के लिए काम करती हैं। तो अभी इस पूरे लॉकडाउन में आई कैन शेयर एन एग्जांपल कि हम लोगों को बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से भी फोन आया जो अभी जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी रोड पर कुत्ते, बिल्लियां, गाय ये सब हैं, उनके लिए अगर हम लोग उन्हें कुछ प्रोवाइड करवा सकें, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ऐसे कॉल्स आई गए हैं तो लेट्स नॉट टर्न देम डाउन। तो हम लोगों ने अपने लेवल पे सबसे पहले हम लोग जो कर पाए वो था पार्ले जी खरीद कर उनको भिजवाना, तो वी डिड दैट। तो आई थिंक हाँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के बीच से निकल कर आई हैं किसी ना किसी मुहिम को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो और तरीके की चीजें हो, जैसे मेडिकल हेल्प, बहुत सारे लोग एम्बुलेंसेज चलाते हैं वॉलंटरीली, बहुत सारे लोग स्कूल्स चलाते हैं। तो ये सब चीजें जो संस्थाएं हमने खुद लोगों के इनिशिएटिव से बाहर आई हैं, जो कि एक उनका एजेंडा लेकर कि हाँ हम
सोशल वर्क करेंगे, हम समाज कार्य करेंगे और मुफ्त में करेंगे या बहुत ही कम पैसों में करेंगे उनके लिए प्रोग्राम्स जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो ये हैं हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू मरियम हमको ये बताने के लिए। मैं बलजीत सर का भी स्वागत करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो भी वीडियो अपनी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते सर और गुड इवनिंग। आई थिंक आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे एकदम से कमेंट्स भी बढ़ गए हैं। आप भी बीच बीच में क्वेश्चंस पूछिएगा जब आपको पूछना होगा, पर अभी हम मरियम से जो बात कर रहे थे, तो मरियम सबसे पहली जो कंफ्यूजन आती है मेरे दिमाग में भी, जैसे मुझे भी नहीं पता था शायद 3-4 साल पहले कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो क्या करती है, क्यों होती है। लेकिन उससे सबसे पहले जो आई थिंक सेवा भाव जो आप कहते हैं कि दूसरों की मदद करना, जो हमारे जैसे नहीं है जो आपने बात की, वो शायद सब में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अलावा एक पता है एक मतलब डर शायद कह सकते हैं, एक डर भी होता है कि क्या अगर हम उसमें काम करेंगे तो हम अपना पेट भर सकेंगे कि नहीं, कि हम पैसे कमा सकेंगे कि नहीं। और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो फिर और क्या करते हैं, मतलब क्योंकि पैसा कमाना शायद सबका एम हो ना हो लेकिन जरूरी है अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, तो वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज। आई थिंक अक्षय अटक गए। हाँ अक्षय की आवाज चली गई। हाँ जी लेकिन आई थिंक ही इज कम बैक, माइक उनका म्यूट पर है। हाँ तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि सिविल सोसाइटी मम्मी ये दूध तो इधर का है, दूध तो क्या होता है सवाल और आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप यही पूछ रहे हैं कि पैसा मतलब मॉनेटरी ऑप्शंस कितने हैं या क्या? हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ बलजीत सर, क्या आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं? हाँ उनका माइक म्यूट हो गया। अक्षय आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्षय आई थिंक अटक गए। ओ अच्छा जब तक ये टेक्निकल डिफिकल्टी हम सॉल्व करते हैं मैं तो अनाउंसमेंट कर देती हूँ सबके लिए। एक तो बच्चों मैंने पहले भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी आप लोगों को सारे ग्रुप्स पे, बट मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। हमें सारे क्लासेस से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, हमें अपॉइंट करना है हर क्लास से। ये अगर आप इंटरेस्टेड है आप प्लीज़ मुझे या फिर अक्षय को या फिर किसी को भी हमारे टीम में से एक मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे विद द फॉलोइंग डिटेल्स, आपका नाम, आपका ट्रेड और आप कौन से वाले ITI से हैं, एंड एक छोटा सा पैराग्राफ भी जिससे हमें आप बताइए कि आपको क्यों बनना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली उनका काम यही होगा, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम ये भी करना पड़े हफ्ते में। उनका मेन एजेंडा यही है कि हमारे साथ अगर कोई कुछ भी कम्युनिकेशन करनी हो या फिर कोई भी फीडबैक देना हो, कोऑर्डिनेशन करनी हो, ये सब डायरेक्टली हमारे से आप टच में रहिएगा, सो दैट कुछ भी अनाउंसमेंट्स हो या फिर कुछ भी काम हो इमिडिएटली जो पूरे क्लास को आपको बताना हो या फिर हमें एक बार इन्फॉर्म करना हो वो आप कर सकें। अक्षय आर यू देयर? हाँ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ तो सॉरी मेरे को, मैं एक्चुअली अपने मोबाइल से कनेक्ट करके कर रहा हूँ और कोई कॉल आ जाता है तो कट जाता है इंटरनेट। ओके तो मैं आपसे यही पूछा था कि सिविल सोसाइटी I'm sorry, वो वापस अटक गए।
बट मैम आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आप. या आई थिंक ही इज बैक, तो एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द या. नो ही इजंट हियर येट, ही इज या. अक्षय आपकी माइक. हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन आपको, मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया. मैं आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों के काम करने के, जो काम करते हैं वो मतलब अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं. ओके तो जो आपने पहले बात करी अक्षय, उस पर मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शेयरिंग है. जब हम लोग अपने मास्टर्स के क्लास में गए तो हमारा 10 दिन का ओरिएंटेशन था और हमारे एक प्रोफेसर ने बहुत क्लियरली हम सबसे कहा कि यू कैनॉट बी हंग्री एंड फीड अदर्स. और आपको मास्टर्स में हमेशा, मतलब आप 2 साल जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि भूखे रहकर आप दूसरों का पेट नहीं भर सकते. आपको खुद इतना चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें. और ये चुस्त दुरुस्त सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी. तो काफी बार ऐसा होता था कि हम लोग ऐसी सिचुएशंस में जा रहे हैं कि जहां हम विक्टिम से मिल रहे हैं, या हम लोग काफी चैलेंजिंग एटमोसफेयर में हैं, हम किसी ऐसे हॉस्पिटल जा रहे हैं जहां डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ पे वो असर डालता था तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, या फॉर दैट मैटर हम अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स में ये बात होती थी कि ओ अब ये मुझसे नहीं हो रहा, ताकि आप वो चीजें करते ना रहे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, या फॉर दैट मैटर खुद को परेशानी देकर, क्योंकि फिर आप दोनों जगहों पर इनजस्टिस करेंगे. आप उन लोगों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे और आप अपने साथ तो इनजस्टिस कर ही रहे हो. तो आई थिंक लाइवलीहुड्स का भी यही कुछ तरीका है जिसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ऑफकोर्स अगर आप ऐसे सामाजिक कार्य में हैं तो सबसे पहले तो आपका जज्बा, आपका जो भी उस चीज के लिए स्पिरिट है वो मैटर करती है. बट आपको ये देखना पड़ता है कि आप अपना घर चला पा रहे हैं कि नहीं, आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग इन चीज़ों से ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, और ये मैं पैसा बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो भी होता है. लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग जो इन जगहों पर काम कर रहे हैं वो जनरली भी पैसे को थोड़ी कम अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. जैसे हम सब आपस में ये नहीं डिस्कस कर रहे होते कि हमारा पैकेज कितना है, या हमें हमारी सैलरी आज इतनी बढ़ गई या कुछ ऐसा, क्योंकि काफी बार तो एनजीओ ये भी फेस कर रहे होते हैं कि ओ 2 महीने की सैलरी नहीं आई है क्योंकि फंड्स रिलीज नहीं हुए. बट घर चलाने के लिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि पैसा जरूरी है. तो काफी बार हम लोग ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम अपने स्टाफ का, अपने वॉलंटियर्स का एक बेसिक लेवल पर ध्यान रखें. जैसे अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है एज अ स्टाफ, तो उनकी सैलरी ऐसी ध्यान में रखी जाती है अपने फंड्स और अपने प्रोजेक्ट्स को देखकर कि फिर उनकी सैलरी पे आँच ना आए, उन्हें एक बेसिक सैलरी मिले चाहे वो जितनी भी हो जिससे वो ये काम कर सकें. एंड ऑफ कोर्स जब हम इंटरव्यूज ले रहे होते हैं या जब हम लोग खुद इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें पैकेजेस बताए जाते हैं, तो देन वी टेक अ कॉल कि ठीक है हम ये करना चाहते हैं या नहीं कंसिडरिंग द मनी. बट जितना मेरा अनुभव है इस फील्ड में, आई थिंक हम लोग ज्यादा काम पर ध्यान देते हैं, इन द सेंस कि अच्छा अगर ये काम मेरे इंटरेस्ट का है तो थोड़े पैसे कम भी मिल रहे हैं तो आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, या आई एम रेडी टू डू इट क्योंकि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है. और कुछ लोग हैं, या फॉर दैट मैटर लोग जब पैसा भी देखते हैं, तो अब मेरे को लगता है कि इफ आई सी द टाइम 10 years अगो टू नाउ, थिंग्स हैव आल्सो चेंज्ड अ लॉट. पीपल आर गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू सच वर्कर्स, पीपल आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू सच प्रोफेशंस, और सैलरी या पे पैकेजेस भी बढ़ रहे हैं. या अब अगर इफ आई गो टू माई ओल्डर कॉलेज एंड आई आस्क पीपल, तो उनके पेज भी उस लेवल से ऊपर आ गए हैं. बस ये है कि फील्ड इन इटसेल्फ खुद इतनी चैलेंजिंग है कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है अपने मानसिक हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए. बट हाँ, आई फील एंड आई कीप टेलिंग दिस टू माई वॉलंटियर्स ऑल्सो, कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट डू जस्टिस टू द फील्ड, अगर आप
न्याय नहीं कर सकते अपनी फील्ड पर या अपने लोगों के साथ जिनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं या ये जो बूढ़े हैं या कोई भी ऐसी पॉपुलेशन है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, आप बिलीव करो कि आप खुद इस फील्ड से इतना जुड़े हुए हो कि जब हम इन बच्चों से पहली बार भी मिलने जाते हैं, वो हमें इतनी ज्यादा उम्मीद से देखते हैं कि उस बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर पोएम याद करना या एक सॉन्ग हमारे साथ याद करना इतनी बड़ी बात हो जाती है जैसे कि उन्हें कोई मेडल दे दिया गया है। तो हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड आई फील एनी वन हु इज वर्किंग इन द सोशल वर्क फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी दे आर अर्निंग, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो ही आप इतना लंबा सस्टेन करेंगे और आप उसमें रहेंगे। तो पैसा एक रियलिटी है, बट ऑफकोर्स इनिशिएटिव और जज्बा भी एक रियलिटी है जो आप नहीं अलग अलग कर सकते। तो मरियम अब सीड क्या करती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सीड, तो सीड इज अ ट्रस्ट, हम लोगों ने इसको एक ट्रस्ट की तरह स्टार्ट किया है, एंड सीड का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। और जो पूरा आइडिया था सीड के पीछे वो ये था कि हम लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाएं अबाउट एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, जो अनुभव करके लर्निंग होती है उसके लिए, और उनके अंदर एक तरीके का बीज बोएं जिससे वो बाकी आगे कुछ भी करें उसमें वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने की कोशिश करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस तरीके के एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अपनी किताबों पे डिपेंडेंट हैं, एंड आप किसी भी बड़े से बड़े स्कूल चले जाइए, छोटे से छोटे स्कूल चले जाइए, अच्छे से अच्छे एटमोसफेयर चले जाइए, कोई भी क्लासरूम हर बच्चे को एक तरीके से ट्रीट नहीं करता है। तो सबसे पहले जब हमने खुद ये चीज स्टार्ट करी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तब सीड नहीं था, सीड कहीं ख्यालों में भी नहीं था, लेकिन व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्रोग्राम आई वाज अम्यूज्ड कि यार इतने डिफरेंट बच्चे कैसे एक साथ उसी जागरूकता उसी इच्छुक होकर उसी तरीके से कैसे सीख सकते हैं, और फिर जो उनकी लर्निंग है वो भी इतनी ज्यादा हाई कैसे है, और उसका आंसर इसी अनुभव करके लर्न करने में निकल कर आया कि जब आप चीजें छू सकते हैं, जब आप चीजें महसूस कर सकते हैं, जब आप चीजें देख सकते हैं, तो आप चीजें ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, तो आप चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं सीखते, तब आप समझने के लिए सीखते हैं, और वो सीख आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहती है, या फॉर दैट मैटर उम्र भर रहती है। तो ये था, एंड इफ यू अलाउ मी आई वुड वॉन्ट टू शेयर जो मेरा सबसे पहला अनुभव था, मतलब क्यों मेरी सोच में ये चीज आई कि यू नो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग है। तो बेसिकली स्कूल से आई हैव ऑलवेज बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, तो वो बच्चे होते हैं ना कि ठीक है एग्जाम का भी अच्छा डेट शीट दिखाओ ठीक है पास हो जाएंगे, और उससे ज्यादा एफर्ट नहीं डालनी। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली कि मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं, एंड बोथ माई पेरेंट्स आर प्रोफेशनल, लाइक प्रोफेशनली दे आर लॉयर्स लाइक बाय डिग्री, तो दे आर प्रिटी चिल पीपल, मतलब मम्मी इतनी तो नहीं लेकिन हाँ पापा तो काफी चिल हैं, और उन्होंने कभी भी यू नो देयर वाज नो इम्पोर्टेंस ऑन कितने मार्क्स आए हैं या रिपोर्ट कार्ड में क्या दिख रहा है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं और आप ठीक से साल निकाल रहे हो मस्ती करते हुए तो ठीक है। तो व्हेन आई वेंट टू मास्टर्स इन सोशल वर्क, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन आवर ओरिएंटेशन, उसके अगले दिन हम लोग एक्चुअली वो चीज जो हमने पढ़ी थी क्लास में, हम उसी तरीके के एक फील्ड पर गए और हम उन लोगों से मिले जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, and I was like this is brilliant because that was like an eye opening moment for me, because I was like ye bhi possible hai, matlab aap kitabon se bahar nikal ke wahi cheeze witness kar pate ho, jaise aap class mein jitna bhi e is equal to mc square pad lo wo aap ultimately exam ke liye hi padhte ho aur aap answer likh kar bhi bhul jate ho, but then here you could actually go and meet those people. To jo problems aapko pata thi ki okay slum areas ya vulnerable background ke jitne bhi areas hain वहां पर ये प्रॉब्लम है, आप उन लोगों से एक्चुअली बात करके पता कर पा रहे थे ओके उनके हेल्थ इश्यूज क्या हैं, जो आपने किताब में पढ़े हुए थे या आपने एक पेपर में पढ़े हुए थे। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग ब्रिलियंट, और अगर ये चीज आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं या फॉर दैट मैटर अडल्ट तक पहुंचा सकते हैं, तो दिस कैन चेंज लाइव्स, एंड आई थिंक डेस्टिनी वॉज विद मी ऑन दैट पार्ट, क्योंकि द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई गॉट उसमें तो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दिशा इंडिया दैट वर्क्स इन गुड़गांव। तो दिशा इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन है जिन्होंने सबसे पहले मेरे को कांटेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि आपको बच्चों को चाइल्ड राइट सिखाना है थिएटर के थ्रू,
I was like, okay. And theater was my background from school and college. So I said, okay. So they were like, हम आपको एक design दिखाएंगे, आपको उसी के through theater include करके इन बच्चों को child rights सिखाना है. अब आप सोचिए कि हम लोग बीकानेर गए और हम लोग एक गुड़गांव के काफी अच्छे बड़े स्कूल से बच्चे गए हमारे साथ ग्रेड 7 के, और उनके साथ बीकानेर के एक छोटे से गांव के बच्चे जो 7वीं कक्षा में थे, 6ठी कक्षा में थे, उनके साथ मिलकर हमने इन सब बच्चों को थिएटर के थ्रू चाइल्ड राइट सिखाया. और बाय द एंड ऑफ दो 6 डेज हर बच्चे को किसी ना किसी ऐसे चाइल्ड राइट में इंटरेस्ट आया जो या तो उनके साथ एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उस पर्टिकुलर चाइल्ड राइट का, या उन्हें वो बहुत अच्छे से मिल रहा है. और पहले दिन वी कुड सी कि जो गुड़गांव के बच्चे हैं और जो गांव के बच्चे हैं उनमें थोड़ा झिझक है और वो एक दूसरे के हाथ नहीं मिला रहे हैं. बाय द 6th डे सब एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे कि अरे अब मैं तुमसे कैसे कॉन्टैक्ट करूंगा. और एक दूसरे के कुछ के पास ईमेल आईडीज थे, कुछ के पास फोन नंबर्स, तो वो फोन नंबर्स लेकर गए कि मैं तुम्हें ईमेल करूंगा, फिर मैं कभी बीकानेर आया तो आई विल कम एंड मीट यू. बहुत सारे बीकानेर के बच्चे थे जो कभी शहर गए नहीं है, दे हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट दिल्ली. तो इट वाज सो अमेजिंग टू सी कि एक ही तरीके की पेडागॉजी हर डिफरेंट बच्चे को कितना जोड़ सकती है. एंड दैट वाज समथिंग दैट आई थॉट कि इट्स अ नो गो जोन फ्रॉम हियर. एंड मेरे को यही एग्जैक्टली यही करना है लाइफ में. तो जो हमारे दिशा इंडिया के फाउंडर थे, आई स्पोक टू हिम एंड आई वाज लाइक आई वांट टू कम फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम. And he said कि आप आ जाओ, but as such कोई काम नहीं है उसमें आपका, because your expertise is theatre and social science and that project is on food and farming. तो I was like, आप बताओ कि क्या मेरा काम हो सकता है. तो उन्होंने कहा probably बच्चों को सुबह time पे उठाना and making sure कि उनके meals उनको मिल रहे हैं. And I was so intrigued by the pedagogy कि I was like, I'm ready to do this. So you won't believe the next program that I did, I actually just woke up kids और उनको time पे खिलाना and all that, but then I kept on learning these expeditions and then uske baad seed ho gaya phir. I think working as an experiential educator 3 saal tak, phir I started with the idea of seed. So I think aapki awaaz mein bhi kafi pata chal raha hai ki aap kitna karti hai jo aap karte hai. I love it. तो I think like वो ही चीज मैं अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि वो observe करें जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, कि किसी को जो चीज पसंद होती है मतलब वो अंदर से खुशी आती है, वो अंदर से लाइट आती है जब कोई बात करते हैं, राइट. आई थिंक आपने दो लोगों के क्वेश्चंस वैसे भी आंसर कर दिए कि आपका आइडिया था ये कि आपने कोई इंसिडेंट देखा या एक्सपीरियंस किया. दिव्या भारती का है वो, हाँ ये है कि मैम जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. I'm sure हर entrepreneur को problems आती है, right? आपने भी जैसे mention किया कि मतलब हमारी society में आजकल सब कुछ customized है, सिर्फ education नहीं है, right? मतलब mobile phone, cars, कपड़े सब कुछ customized होता है, लेकिन आप सबको same तरीके से पढ़ाते हो जबकि सबको अलग चीज पढ़नी होती है. तो आपके साथ problems क्या आई ये start करने में? आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट था दो तीन ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहना जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं. जैसे अभी आई मेंशन्ड दिशा इंडिया, तो इट्स अ 12-year, 14-year ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो उस हेल्प के अलावा काफी चैलेंजेस आए बिकॉज मेरा जो होम टाउन है वो लखनऊ है, एंड लखनऊ में लोग थोड़े आराम पसंद हैं. और जैसे कि हम दिल्ली जैसे शहर में या गुड़गांव में एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग रिस्क लेना चाहते हैं, लोग नई चीजें करना चाहते हैं, बट लखनऊ में काफी आराम से लोग रहते हैं, 4-5 स्कूल्स हैं, बच्चे वहीं जाते हैं. और अब उन स्कूल्स में इनोवेशन आना शुरू हुआ है विच इज अ ब्रिलियंट थिंग. बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक पेडागॉजी की तरह लेना कि अच्छा हम ऐसे भी पूरा स्कूल चला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड जैसे किसी ने मेंशन करा यहाँ पर कि आपने बिजनेस कैसे वो करा, तो सीड एक ट्रस्ट है. तो हमें पहले ही से ये श्योर था कि हम इसे कभी भी प्योरली बिजनेस नहीं बनाने वाले, और हम इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ ऐसे तबकों तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे स्टार्टर्स ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहते हैं जहां इन बच्चों के पास ना टीचर्स हैं ना किताबें हैं. उस जर्नी में अगर कोई अच्छा स्कूल या कोई ऐसा स्कूल जो एस्टेब्लिश्ड है और हमसे जुड़ना चाहता है, वी वेलकम देम और हम उनके साथ शेयर करने को रेडी हैं, हम उनके साथ लर्न करने को रेडी हैं. लेकिन हमारा ज्यादा फोकस था ऐसे बच्चे, तो ऑफकोर्स उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम या फॉर दैट मैटर
कि कैसे इन प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे, ये सब काफी सारे प्रॉब्लम्स आए जिनको अब हम ऐसे टैकल करते हैं. पहले दो साल का आई कैन टेल यू एंड यू कैन कॉल इट अ बिजनेस प्लान, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो सीड को अभी तक चला रही है. तो व्हाट वी डू इज कि अगर हम कोई एक्सपेडिशन डिजाइन करते हैं तो हम उसमें 50-50% सीट्स रखते हैं. तो क्या होता है कि अगर हमारे 50% बच्चे ऐसे हैं जो उस एक्सपेडिशन के लिए पैसे दे पाते हैं और वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनको ये चीजें लर्न करनी है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे हमने एक एक्सपेडिशन रखी 6 दिन की ऑन लर्निंग द हिस्ट्री ऑफ लखनऊ. लखनऊ का इतिहास जानने के लिए हमने एक एक्सपेडिशन रखी और उसमें 20 बच्चे आए हैं. तो हम 10 सीट्स पेड होंगी और 10 सीट 100% स्कॉलरशिप पे उन बच्चों के लिए जो रियली लखनऊ का इतिहास सीखना चाहते हैं और इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं. और फिर हमने क्या करा कि जो भी उन 10-10 बच्चों से जो पैसे आए हैं हमने वो इन बच्चों के लिए भी लगाए. तो अल्टीमेटली जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं उनके लिए बहुत पैसे नहीं बचते, लेकिन पूरा प्रोग्राम बहुत स्मूथली निकल जाता है बिकॉज फिर ये बच्चे ही उन बच्चों के लिए भी पे कर पाते हैं. और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम, जैसे आप कौन सी कम्युनिटी चूज करेंगे. तो अभी क्योंकि हम लोगों ने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था और हम लोग ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम किसी ऐसी स्लम एरिया चले जाएं या कहीं चले जाएं जहां बच्चों से जुड़ भी जाएं और उसके बाद हम उनके प्रोग्राम्स कंटिन्यू ना कर पाएं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक हम ये समझना चाह रहे हैं लेट अस डू वन थिंग कि लेट अस टाई अप विद ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली एंड लखनऊ जो ये काम ऑलरेडी जो किसी ना किसी तरीके का समाज कार्य कर रहे हैं बच्चे और यूथ के साथ, और हम उन्हें अपने आइडियाज पिच करते हैं और फिर उनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं. जनरली लाइक आई कैन टेल यू 90% ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जैसे अभी आई मेंशनड हम लोग ने ये लखनऊ की हिस्ट्री वाला एक प्रोग्राम करा. एक प्रोग्राम है जो वही चाइल्ड राइट्स सिखाना थ्रू थिएटर. एक प्रोग्राम हम लोगों ने लखनऊ में करा था ऑन द डिफरेंट ट्रीज ऑफ लखनऊ कि आप कैसे नेचर को समझ पाते हैं. फिर दिल्ली में हम लोगों ने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करे. एक प्रोग्राम हम लोग ने दिल्ली में करा ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन. और ये सारे जो बच्चे थे हमारे वो थे अलग अलग ऑर्फनेजेस के बच्चे जो आपस में उनका खुद का एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है. तो 7 अलग अलग ऑर्फनेजेस के बच्चों ने हमारे साथ वेस्ट सेग्रीगेशन सीखा, जो अब अपने ही होम्स में रहकर वो चीजें रिसाइकिल भी कर पाते हैं. तो फिलहाल हम ऐसे पॉइंट पे चलते हैं कि ठीक है वी अर्न मनी जो हम वापस ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकें. एंड अभी हमारा ये चीज इसलिए भी और अच्छे से चल पा रही है बिकॉज हमारा वॉलंटियर बेस है. तो जनरली जब हमारे पास प्रोग्राम्स में इतने पैसे होते हैं तो हम फैसिलिटेटर्स को पे भी करते हैं. बट अगर हम पे नहीं कर सकते तो हम वॉलंटियर्स ऐसे ट्रेन करते हैं जो स्कूल के जो ग्रेड 12 के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, जो सर्टिफिकेशन बेसिस पे हमारे साथ काम करते हैं, या वॉलंटियर आर्ट्स पे हम उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं कि ओके द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट वी हैव यू हैव 100% स्कॉलरशिप इन दैट प्रोग्राम. तो ऐसे थोड़े तिगड़म भिड़ा के अभी हम लोग काम कर रहे हैं. बट इसको एक पूरा फुल स्केल करने का प्लान है एंड आई एम होपिंग कि क्वारंटीन में इतना टाइम मिल जाए दैट आई एम एबल टू redesign it in a way कि हम लोग इसको full fledged एक organization की तरह run करें जिसमें हम लोगों को hire भी कर पा रहे हैं, programs भी run कर पा रहे हैं और अपनी ये part ना छोड़ें जिसमें हम 100% scholarships पर NGOs को बुलाते हैं और वो हमारे साथ train करते हैं. तो ये है. Okay, thank you. हमारे पास अब 25 मिनट और रह गए हैं और काफी सारे questions हैं. Okay. एक question जो काफी stand out कर रहा है, भारती ने दोबारा पूछा कि मैम आपको आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया. और ये क्वेश्चन शायद काफी उन्होंने पूछा हुआ है. ओके. कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया और क्या प्रॉब्लम्स आई फैमिली की तरफ से. ठीक है. तो आई थिंक जब आई टुक द डिसीजन ऑफ डूइंग मास्टर्स इन सोशल वर्क, मेरी फैमिली को पता था कि अब ठीक नहीं होने वाला इससे, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस. और she is not going to be the kinds who will go after packages ya usko you know ek acche firm mein kaam karna hai aur ye sab. aur I think jab aap family wale atmosphere mein rehte hain to aapke ghar wale aapko kafi acche se samajh lete hain. to I remember in school I just once did this that I got money from somewhere, kahin se hum logon ko paise mile and I put all that money in some चैरिटी. तो पहली बार को एवरीवन वाज लाइक व्हाट इज दिस एंड देन आई टोल्ड देम आई एक्चुअली वांट टू डू दिस, लाइक दिस इज
the most satisfaction or this is where I get the most satisfaction, तो लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा ठीक है, she is not like us और maybe इतना ज़्यादा बाकी बच्चों की तरह नहीं सोचती है. And I'll tell you कि मेरी फैमिली में भी लाइक माय फादर और माय मदर और फॉर दैट मैटर माय सिबलिंग्स, हम सबका ही थोड़ा वैसा बेंड ऑफ माइंड है कि यू नो हेल्पिंग अदर्स और फॉर दैट मैटर जितना आप लोगों को कंफर्ट कर सकते हो आप करो. आई फील अगर हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम समाज में थोड़ी अच्छाई या थोड़ी आसानी पैदा कर रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ट्रस्ट मी, आप जिस भी गली में जाओगे आपको एक दो जरूरतमंद लोग मिल ही जाएंगे, चाहे आप कहीं भी जाओ. तो उन तक वो जरूरत पहुंचाने के लिए आई थिंक मास्टर्स में ये मेरा आइडिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और फिर चीजें होती गई बैक टू बैक. तो कभी कभार आई थिंक अलग अलग तरीके के डिबेट्स हुए हैं फैमिली में कि ओ ये काम क्यों करना है या यहाँ क्यों जाना है, बट देन आई कैन से दैट आई वॉज रिबेलियस इनफ टू नॉट लिसन. और ये भी आई अंडरस्टैंड कि हर फैमिली का प्रिविलेज नहीं होता है. आई नो पीपल जो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, बट उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, या तो वो फैमिली के बेसिकली एक सोशल इमेज से रिलेटेड हैं या फिर उनकी फाइनेंशियल इमेज से रिलेटेड है. तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ये चीजें करना चाहते हैं बट उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करती. तो आई कैन से आई एम लकी, बट आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आपको थोड़ा हटके सोचना भी पड़ेगा और थोड़ा हटके होना भी पड़ेगा. मतलब आपको प्रोबेबली रात रात भर झक के डिजाइन करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जिनसे आप शायद कभी नहीं मिले और आपको मन ही मन पता है कि वो आइडिया आपका नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर भी आप उन्हें फॉर द सेक ऑफ रीचिंग आउट टू दैट पर्सन आप उन्हें वो आइडिया सुनाओगे. तो ये सब चीजें आपके साथ होती रहेंगी और आपको इतना हटके सोचना पड़ेगा. एंड फैमिली यूनिट जो है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. आप और आपकी फैमिली, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जिंदगी भर लर्न और अनलर्न करते हो अपनी ही फैमिली के बारे में. जैसे अभी इतने साल हो गए हैं बट देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई टॉक अबाउट एंड माई पेरेंट्स आर लाइक दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस और दिस इज वेरी न्यू फॉर अस बिकॉज दे हैव नेवर हर्ड इट. सो आई थिंक विद द फैमिली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. और जैसे कि आई शेयर्ड दिस थिंग फ्रॉम माय मास्टर्स कि हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था यू कांट बी हंग्री एंड बी फीडिंग एवरीवन एल्स, वैसे ही हम लोगों को एक और बात हम लोगों को मास्टर्स में लर्न करने को मिली कि आप दुनिया बदल सकते हो अपने सोशल वर्क से, आप बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो, लाइक यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी ड्रास्टिकली, बट टू चेंज योर ओन फैमिली इज द बिगेस्ट हर्डल दैट यू एवर फेस और द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू एवर फेस. तो आई थिंक वो फैमिली के साथ एक ऑनगोइंग स्ट्रगल होती है. बट या आई वुड से कि अगर आप पैशनेट हो तो यू शुड गिव इट अ ट्राई और आपको अपनी फैमिली के साथ वो पर्टिकुलर जद्दोजहद करती रहनी चाहिए. आई थिंक जो कल से हमारे ऑडियंस के क्वेश्चन से मेरे को भी समझ आ रहा है उनका फ्रेम ऑफ माइंड, एक तो फैमिली के साथ नेगोशिएट कैसे करा जाए. सब लोग आपको ये एडवाइस तो दे देंगे कि हाँ फैमिली के साथ नेगोशिएट करना चाहिए मतलब उनसे करो सपोर्टिव होते हैं, पर कैसे करना चाहिए. क्योंकि एक जो क्वेश्चन आया है पिंकी का ही, वो ये भी है कि कई बार मतलब फैमिली से बात करते करते जब वो समझते नहीं है तो गुस्सा आ जाता है. आई थिंक वो हमारे सबके साथ होता है ना, कि इम्पेशेंस हो जाता है. इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो कल दो बार पूछा गया था कि महिलाओं के लिए इंडिया में स्पेशली इतने सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, शादी का आप ये नहीं कर सकते, आप ये बाहर नहीं जा सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. ओके, आई थिंक अक्षय ये बहुत ही जरूरी सवाल है और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिससे हम लोग फील्ड पर भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं, इन द सेंस कि हम लोग बहुत बच्चों का ओरिएंटेशन करते हैं और बहुत बच्चे उन चीजों से कन्विंस हो जाते हैं, वो स्कूल जाने लगते हैं एंड देन सडनली वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर है, स्पेशली विद द फीमेल जेंडर, कि वो उन चीजों पे फैमिली को फेस नहीं कर पाते. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं और आपके वो ऐसी पेरिफरी में है कि वो आपकी फैमिली से मिल सकते हैं, तो आपको उन लोगों से उन्हें मिलवाना चाहिए. फॉर दैट मैटर आप
जितने आपके आसपास एग्जांपल्स हैं या आपको ऐसी स्टोरीज पता है, जैसे बहुत सारे लोग जो अभी ये यूट्यूब पर हम लोगों का ये सेशन देख भी रहे हैं, आप सबके पास, मेरे हिसाब से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप इन कहानियों के बारे में पढ़िए और उन्हें अपने घर वालों से मिलाइए, इन द सेंस कि उनके वीडियोस दिखाइए कैसे वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स निकलकर अपने घरों से आए हैं, उन्होंने वो रिस्क लिया है। आप आई अंडरस्टैंड कि आप फैमिली से एक लेवल तक ही नेगोशिएट कर सकते हैं, बट अगर आप बहुत पैशनेट हैं उस चीज के बारे में तो आपको उन्हें और अच्छे से ये बात समझानी पड़ेगी कि आपका खुद का जज्बा या आपका खुद का पैशन इस चीज को कितने हद तक मानता है। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं फीमेल जेंडर के साथ कि अच्छा शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप सबके लिए मेरी एक ही राय है कि जिंदगी आपकी चलती रहेगी और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे जेंडर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि है बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटी है, बट अगर हम मेल जेंडर की बात करें तो उनके लिए अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। सिर्फ घर से बाहर निकलने की आजादी या घर से बाहर निकलने की परमिशन इज नॉट व्हाट एवरीवन रिक्वायर्स, जो हमें लगता है कि अरे लड़कों के लिए काफी आसान है, उनके ऊपर और तरीके के प्रेशर्स हैं कि ओ हमें अपना घर चलाना है, हमें पैसे देने ही हैं माँ बाप को, हमें कल को शादी करके एक पूरी फैमिली को सपोर्ट करना ही है। तो इन सभी केसेस में आप जितने ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज की बात कर सकते हैं, आप जितने ज्यादा से ज्यादा आसपास की कहानियां अपने घर वालों को दिखा सकते हैं वो दिखाइए। और जैसे आप हरियाणा में बैठे हैं तो शायद लखनऊ की एक कहानी आपके घर वालों को उतना अफेक्ट ना करे जितना कि हरियाणा की एक कहानी आपके पेरेंट्स को अफेक्ट करेगी। जैसे उस दिन मेरी किसी से बात हो रही थी और वो सब बच्चे एक झुग्गी में रहते हैं, सॉरी वो सब बच्चे दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बहुत अमेजिंग संस्था है येलो स्ट्रीट्स करके, जिन्होंने उन बच्चों को ट्रेन करा है उनके माँ बाप से मिलकर, और बहुत सारे उन्हें शॉर्टकमिंग्स हुए, बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब उनमें से चार बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं रग्बी में। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि उन पर्टिकुलर लोगों से, उनके माँ बाप से बात करी गई इन्हीं एग्जाम्पल्स पे जो हमारे आसपास हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी दंगल, उस पिक्चर को देखकर हम लोगों को लगा कि अच्छा एक मूवी बनी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, बट उस फिल्म ने अकेले बहुत सारी चीजें उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए बदल दी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, क्योंकि इन पर हम लोगों ने एक्चुअली फील्ड में जाके ये स्टडी करी। बट जब आप ये लिखते हैं कि हमारी ये शॉर्टकमिंग्स हैं या हमारे पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो आई वुड जस्ट वांट टू शेयर कि अभी हम लोगों ने यूनिसेफ के लिए एक प्रोजेक्ट करा था ऑन चाइल्ड मैरिज, ऑन अर्ली मैरिज, और कैसे हरियाणा और यूपी के बॉर्डर एरियाज में अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही निकाला कि जब तक सोसाइटी के अंदर से ब्रेक नहीं लगेगा, तब तक जितनी मर्जी बाहर की संस्थाएं यहाँ पे काम कर लें, जितना मर्जी पैसा दे लें, जब तक वो माँ बाप स्टेप डाउन नहीं करते या वो बच्चे रिवोल्ट नहीं करते, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं रुक सकते। तो आई थिंक गोइंग बाय लोकल एग्जांपल्स हेल्प्स अ लॉट। आप जितने लोकल एग्जांपल्स दे सकते हैं आप दीजिए। अब आप हम सबके साथ एक सर्कल में जुड़ गए हैं, तो फॉर दैट मैटर आदित्य, अक्षय, आकांक्षा, सामंत, हम में से किसी की हेल्प चाहिए हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू विद दोज एग्जांपल्स। पर आपको पेरेंट्स के साथ रीच आउट करना पड़ेगा उस डायलॉग पे। और देखिए, जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप मन में सोचते हैं कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको बहुत धीरज, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। तो बहुत बार हम अपने पेरेंट्स पे गिव अप करना चाहते हैं या कॉन्वर्जेशन छोड़ के जाना चाहते हैं, बट वो कॉन्वर्जेशन आप अगर लास्ट तक ले गए हैं, ट्रस्ट मी देयर विल बी अ डिफरेंस। तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका राइट नाउ अभी यही है कि आप अपने लोकल उदाहरण लीजिए और उनको बताइए। बहुत बार ये भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं कि कुछ ऐसे हमारे उदाहरण आसपास हो जाते हैं कि जिसकी वजह से लोग आप पे विश्वास और नहीं करना चाहते। जैसे हम लोग एक गांव गए थे यूपी में, जहां पे एक लड़की भाग गई थी किसी और लड़के के साथ गाँव के, एंड गाँव वालों का कहना था कि अब इस लड़की ने बाकी लड़कियों को बिगाड़ दिया। फिर हमने उस केस में पूरा इन्वेस्टिगेट किया एंड वी गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, तो हमें पता चला कि उस लड़की को क्लास 8 के बाद आगे पढ़ाई करनी थी, और वो पर्टिकुलर लड़का एक थोड़े टू टियर शहर में काम करता था जो उसके को ये पढ़ाई करवा सकता था।
तो वो उसके साथ उस पर्टिकुलर जगह चली गई और अब वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर भी रही है. देन वी गॉट दिस स्टोरी टू द डिफरेंट विलेजर्स इन द विलेज. ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ कि 100% लोग ये बात मान गए, लेकिन जिन्होंने भी माना आज उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको ये ओवरकम करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी. और जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये सबके लिए है, तो आपको खुद अपना भी आइडिया बहुत अच्छे से सोचना चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार हम लोग सोच लेते हैं चीजें और प्लान कर लेते हैं, बट वो चीजें वैसी टर्न आउट नहीं करती. बट जब भी आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क एनालाइज करिए कि आप सच में इंटरेस्टेड है वो काम करने में, तो आप करिए. जैसे अभी आज आप लोगों ने एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में सुना, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो और उनका मन करेगा ये करने का या ये ट्राई आउट करने का, आप बिल्कुल करिए. लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझिए कि आप पैशनेट हैं या सिर्फ मरियम मैम की बात सुन के आपको अच्छा लगा और आपने ये कर लिया. और हम सबके साथ होता है. आई थिंक आई एम 28 नाउ एंड बहुत चीजें अभी भी ऐसी होती हैं जो आप बाकियों को देख के ट्राई आउट कर लेते हैं और फिर आपको लगता है ओ ये कोर्स ऑफ टाइम में कहीं भी इफेक्टिव था ही नहीं क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये दूसरे के करते हुए इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कर लिया. तो लोकल उदाहरण आप दें, लोगों को सुनाएं और बात करें, ओपनली बात करें. हिम्मत चाहिए बट आई थिंक हो जाता है. थैंक यू मरियम. आई थिंक आपका स्टोरी तो खैर वैसे भी काफी पावरफुल एक मीडियम है. और अगर आपके पास कुछ लिंक्स हैं या कोई सोर्सेज ऐसे जहां पे आप ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ती हैं या देखती हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि एकदम से अभी हम बाहर जाके तो ढूंढ नहीं सकते इन स्टोरीज, तो आप प्लीज उनके साथ शेयर करिएगा, चाहे यूट्यूब पे चाहे अपने ग्रुप्स में, और हम बाकी ग्रुप्स के साथ भी शेयर करेंगे. एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अमित का कि मैम प्लीज टेल अस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज अ सोशल वर्कर. ओके सो आई स्टार्ट विद द वीकनेस फर्स्ट बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि थोड़ा नेगेटिव पार्ट जल्दी खत्म हो जाना चाहिए. तो आई थिंक मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस है दैट आई गेट वेरी अफेक्टेड व्हेन आई सी थिंग्स एंड आई कैन नॉट कीप क्वाइट अबाउट देम. मतलब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप फील्ड पर काम करते हो और आप इतना ज्यादा काम कर चुके होते हो कि आप आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है, आप कुछ भी सुन लें. बट एक्चुअली मेरे पर बहुत असर होता है. तो जैसे अक्षय ने पहले भी पूछा था कि ये फंड रेजिंग एकदम से आपने क्यों करी, या क्योंकि सबके लिए उस समय डेंजर है, बट वाई डिड यू एक्चुअली टेक दैट डेंजर और आपने लोगों तक सामान बांटा या कुछ भी. तो आई टेल यू कि द डे आई केम बैक टू लखनऊ, उसके दो दिन बाद ही हमारी ये वीडियोज, बहुत सारे लेबरर्स की वीडियोज फ्लोट करने लगी जो 1000 किलोमीटर चलना शुरू कर रहे हैं, 100 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं, कोई रास्ते में मर गया है. There are people who are crying on the streets. And trust me, उसके अगले दो दिन तक I couldn't sleep. I was like, ये नहीं हो सकता कि ये देख कर आई कैन स्लीप. और उस समय मेरे पास 7000 रुपए थे ऐसे जो बस थे, रखे हुए थे. तो आई वॉज लाइक यार 7000 में क्या होगा. मतलब मेरे मोहल्ले के आस पास भी जो हाउस हेल्प्स हैं शायद उन तक भी राशन नहीं पहुंच पाएगा. बट देन आई डिड दिस की अच्छा ठीक है फंड रेजर स्टार्ट करते हैं. तो आई थिंक फील्ड पर रहकर चीजों को देखकर बहुत ज्यादा असर मेरे पर होता है. एंड देन आई वॉन्ट कि अच्छा ये चीज जल्द से जल्द करनी चाहिए लोगों के लिए. और ये कभी कभार अच्छा होता है, बट आई कंसिडर इट अ वीकनेस बिकॉज जब आप फील्ड पर काम कर रहे होते हो तो आप अगर इतनी जल्दी अफेक्ट होने लगोगे तो शायद आपके काम की जो क्षमता है या जो आप कर रहे हो वो थोड़ा स्लो हो जाए या फिर वो उस तरीके से ना हो पाए, क्योंकि आप हर समय इसी सोच में पड़े रहोगे. तो ये एक मेरी वीकनेस है. एंड स्ट्रेंथ आई थिंक मेरी है दैट मेरे को ज्यादा डर नहीं लगता चीजों का, बिकॉज आई ऑलवेज हैव दिस बिलीव दैट आई नो ये थोड़ा फिलोसफिकल साउंड कर सकता है, बट मेरा एक बिलीफ है लाइफ में कि जो होना है वो हो गई, तो वॉट बेस्ट यू कैन डू इज वर्क टूवर्ड्स इट. तो प्रोबेबली और इसकी वजह से काफी पंगे भी हो जाते हैं, बिकॉज जब आप नहीं डरते हैं तो आप बहुत चीजों में घुस जाते हैं एंड देन यू रियलाइज ओ ये तो ऐसे होना ही नहीं था और अब डरना चाहिए. बट देन आई थिंक डर के आगे जीत है. तो मेरी स्ट्रेंथ यही रहेगी कि बिना डरे आप चीजों को कंटिन्यू करते रहो ताकि आप उनको इफेक्टिवली कर पाओ. थैंक यू सो मच मरियम.
वेलकम। मैं सरस्वती का एक सवाल है, उन्होंने पूछा है कि मैम बिजनेस के लिए टीम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो आई थिंक जब आप एक संस्था की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर अपने बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी यूनिट को जब आप सेट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। आप एक ऐसा एनालिसिस करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि अच्छा मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी इस कोर्स में, इस ड्यू प्रोसेस में। तो आई गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे अगर हमारी संस्था है जिसमें हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और हमने ये सोच लिया है कि ठीक है हम लोग दूसरी कक्षा के बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों तक प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो फिर टीम को सोचने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम उन प्रोग्राम्स में क्या करना चाहते हैं। अब हमें अपनी ऑडियंस पता चल गई दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा के लोग, तो हम फिर उसके हिसाब से देखेंगे अच्छा अब हर कक्षा में अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, तो हम ऐसे लोग ढूंढना चाहेंगे जो उन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। वो टीचर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो ट्यूटर्स हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो वीडियो बनाते हैं किसी टॉपिक के बारे में, और फिर हम उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से देखेंगे कि हम क्या क्या प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे मेरा खुद का बैकग्राउंड सोशल साइंस का है, तो शायद मेरी खुद की स्ट्रेंथ है सोशल साइंस, तो मेरे को अब अपने अलावा एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो साइंस की समझ रखता हो, एक ऐसा इंसान जो मैथ की समझ रखता हो, एक ऐसा इंसान जो कंप्यूटर की समझ रखता हो। ऐसे लोगों को मिलकर फिर हम एक टीम बनाएंगे। फिर बिजनेस में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो उसमें एक चीज है जो अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं टूल है, जो कि है इंटरनेट। तो हम एक ऐसा इंसान हायर करेंगे या फॉर दैट मैटर हमारे साथ वॉलंटरी बेसिस पे आए जो इंटरनेट संभाल सकता है, जो इंटरनेट की समझ रखता हो। देन कम्स द फाइनेंसेस कि अच्छा अगर हमें ये प्रोग्राम्स करने हैं तो इसके लॉजिस्टिक्स भी होंगे। लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कराना है, किसी के लिए इतने पर्टिकुलर नोट पैड्स लेकर आने हैं, इन बच्चों की लिस्ट बनानी है, इस कॉलोनी में जाके प्रोग्राम करना है, इस स्कूल में जाके प्रोग्राम करना है, तो इन सारी चीजों को जनरली हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो हम एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रखेंगे। तो बेसिकली ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो देने का यही मतलब है कि आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं उस बिजनेस के लिए या उस संस्था के लिए, और उनके लिए कौन कौन से लोग हैं जो जरूरी हैं, और फिर आपकी हायरिंग और ये सब स्टार्ट होती है। और इन सभी चीजों के पीछे दो कॉमन चीजें हैं जो काम आती हैं। एक है कि आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आप क्या क्या चीजें अपने उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोग्राम में डालना चाहते हैं, और दूसरा है आपका फाइनेंसेस। तो डिजाइन और फाइनेंसेस दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आप किसी संस्था की बात कर रहे हैं तो शायद आपको लोग वॉलंटियर करने के लिए मिल जाए, बट अगर आप एक फुल फ्लेज बिजनेस करेंगे तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाँ अब हमें लोगों को सैलरी भी देनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको आप कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें आप फाइनेंसेस भी डाल रहे हैं, आप पूरा जितने लोग हैं उनके क्या क्या एक्सपर्टीज होंगे आप वो भी डाल रहे हैं, फिर आपकी खुद की जो पॉपुलेशन है जिसको आप रीच आउट कर रहे हैं, जो लोग हैं जिनके लिए आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं उनको भी डाल सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, बट अगर कोई और भी हम बिजनेस लें, जैसे अगर आपको एक पार्लर खोलना है तो आप देखेंगे कि आप उस पार्लर में क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, फिर उन सर्विसेज में किसका एक्सपर्टीज है। शायद कोई है जो आईब्राउज और अपर लिप्स बना सकता है, कोई है जो वैक्सिंग कर सकता है, कोई है जो हेयर कटिंग का एक्सपर्ट है, और कोई है जो मेकअप का एक्सपर्ट है। तो फिर आप ऐसे लोगों को हायर करेंगे, फिर उनकी सैलरीज फिक्स करेंगे उनके काम के हिसाब से, उनके आर्ट्स के हिसाब से। सो ऐसे एनालिसिस के बाद आप अपनी टीम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक और क्वेश्चन है सृष्टि सोना का, उन्होंने पूछा है कि मैम आपने सोशल वर्क में जाने का प्लान कब किया और आपको कैसे लगा कि आपका ये प्लान अच्छे से वर्क करेगा। ओके, सृष्टि राइट, हु आस्क्ड द क्वेश्चन? यस यस, सृष्टि। सृष्टि सृष्टि एक्चुअली इफ आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, तो आई डोंट नो कि सोशल वर्क या सोशल वर्क के बाद अभी भी इफ आई एम वेरी श्योर कि अच्छा ठीक है इसी पर एक फुल स्टॉप लगेगा और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, आई थिंक आई माइट बी ओपन टू डूइंग अनदर कोर्स, आई माइट बी ओपन टू गोइंग समवेयर एल्स एंड लर्निंग समथिंग। लेकिन सोशल वर्क में आने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये रीजन था कि स्कूल से ही आई वॉज वेरी श्योर कि कुछ भी करना है तो वो लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए करना है।
एंड आई टेल यू ये श्योरिटी कैसे आई. तो मेरे स्कूल में हम लोग एक प्रोग्राम था हमारा जिसको हम कहते थे कैंपस टीचिंग, जिसमें हम लोग स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाते थे और ये बच्चे हमारे ही स्कूल के सपोर्ट स्टाफ के बच्चे होते थे और हम लोगों के साथ पढ़कर काफी बार वो बच्चे हमारे ही स्कूल में आके पढ़ने लगते थे अच्छे ग्रेड्स लाकर. बहुत सारे लोग अपने अपने पर्टिकुलर स्कूल्स में जो या तो गवर्नमेंट होते थे या तो सेमी गवर्नमेंट उनमें टॉप करते थे, एक्सेल करते थे बिकॉज उन्हें हमारे स्कूल का एक एटमोस्फेयर मिलता था बच्चों के साथ पढ़ के. अदर देन दैट हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते थे जैसे पेपर बैग्स बनाना सो दैट वी आर बैनिंग पॉलिथीन. सो मेरा स्कूल खत्म हुए 10 साल हो गए एंड आई टेल यू कि उससे भी पहले लाइक उससे 7 साल पहले तो इट्स ये 17 साल पहले की बात है कि हमारा स्कूल नो पॉलिथीन जोन था. तो आप स्कूल में पॉलिथीन नहीं ले जा सकते, आपको हर चीज पेपर पे डिपेंड करनी है. और हर इस पर्टिकुलर थॉट के पीछे एक हमें एक ओरिएंटेशन दिया जाता था कि आप ये क्यों कर रहे हैं. आपको सिर्फ करवाया नहीं जाता था, आपको एक पूरा थॉट प्रोसेस बताया जाता था कि आप ये करेंगे तो आगे जाके आप प्लैनेट को बचा पाएंगे एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक से. आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी मदद से ये बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते हैं या ये बच्चे अपने स्कूल में एक्सेल करके अच्छे कॉलेज जा सकते हैं. तो आई थिंक मेरा पैशन फॉर वर्किंग फॉर द सोसाइटी स्टार्टेड इन स्कूल इटसेल्फ. आई मस्ट बी इन ग्रेड 7 or 8 और ये जो कैंपस टीचिंग हम लोग करते थे वो हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th में करते थे. उसके साथ ही हम लोग विलेज विजिट्स पे जाते थे स्कूल की तरफ से. जो स्कूल ने हमारे गाँव गोद लिए हुए थे हम उन लोगों के साथ जाकर वहां पर विलेज असेसमेंट करते थे और उनके साथ रहते थे उन विलेजर्स के साथ. तो आई थिंक ये जो पूरा एम्पथी इनकलकेट हुई है या आप कह सकते हो लोगों के प्रति काम करने का जज्बा जो आया है वो स्कूल से शुरू हुआ था. फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और फिर क्लैरिटी बनती गई. तो ग्रेजुएशन के पास मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि आप या तो लॉ पढ़िए या तो फिर आप मास्टर्स इन सोशल वर्क करिए. ये दोनों ही मेरी चॉइसेस थी. लॉ इसलिए क्योंकि आई थॉट आफ्टर डूइंग लॉ आई वुड बी एबल टू वर्क फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड फॉर देयर ओन केसेस और जो फॉल्सली अक्यूज हो जाते हैं और ये सब. एंड दूसरा ऑप्शन था सोशल वर्क बिकॉज ऑफकोर्स वर्किंग इन द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल. तो लॉ में कहीं अच्छी रैंक नहीं आई दोनों कॉलेजेस में तो आई ड्रॉप द आइडिया एंड आई वाज लाइक चलो एलएलबी है वो तो लाइफ में कभी भी करा जा सकता है और ये सब. और मास्टर्स इन सोशल वर्क हो गया तो आई प्लान्ड ऑन डूइंग दिस. थैंक यू सो मच मैम, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. हमारे कमेंट्स पे भी बच्चे कह रहे हैं कि उनकी आपकी स्टोरी सुन के उनको काफी अच्छा लगा और थैंक यू सो मच. अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है एंड देयर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स बच्चों के लिए जो मैं अभी कर देती हूँ. तो किड्स, पहले तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ वापस से, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज आप हमारे टीम में से किसी को भी या फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दीजिए. उसमें आप अपना नाम, ITI और ट्रेड मेंशन करिए. उसके अलावा हमें ये भी बताइए कि प्लीज आपको हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए और आप इस पर क्या कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करिएगा. आप अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं खुद को एज फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो फिर आप एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा कि मे बी थोड़ी इंगेजमेंट ज्यादा होगी, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा जाएगा दिन में. मेन काम तो वेर खैर ऐसे ही है कि आप कोऑर्डिनेट हमसे करिएगा जो भी हमें कुछ कोऑर्डिनेशन होंगी वो, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पास करने हो पूरे क्लास के लिए, कुछ फीडबैक हो क्लासेस का आपके क्लासमेट्स के जो आप हमें देना चाहे. तो बेसिकली आप एक ब्रिज का काम करिएगा अपने क्लासमेट्स और हमारे बीच. सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए अपने रीजंस और पूरी डिटेल्स. सेकेंडली मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ अबाउट विजिटिंग आवर्स जो हम रखेंगे. तो बेसिकली जिसको भी हमारे टीम में से किसी से भी अगर बात करनी हो तो हम पूरे हफ्ते में से एक दिन और एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपको दे देंगे जिसमें आप अपना गूगल शीट फ्लोट कर देंगे विद ऑल द डिटेल्स. आप फिल करके उसमें बुक कर सकते हैं और ये 10-10 मिनट का स्लॉट्स होंगे. आप किसी को भी कॉल करके हम कनेक्ट कर लेंगे और जो भी बातें हो हम वो कर सकते हैं. प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर जो गूगल शीट हम फ्लोट करेंगे ओवरराइट मत करिएगा क्योंकि उससे इट्स अनफेयर. जो पहले फिल कर चुका है उनका नाम वहीं पर रहने दीजिएगा और नेक्स्ट जो भी स्लॉट्स होंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग वैसे आप इंक्लूड कर लीजिएगा. अभी के लिए खैर इतना ही. अक्षय, आपको कुछ बोलना हो
और सब आदित्य के लिए भी पूछ रहे थे, तो आदित्य प्लीज अगर आप हाय बोल लीजिए सबको। हेलो दोस्तों, मरियम से मेरे को तो बहुत सीखने को मिला, मरियम मैम से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उतना ही सीखने को मिला हो। मरियम मैम को मैं पहले से भी जानता हूँ, उनका सामाजिक कार्य, सोशल वर्क और बिजनेस दोनों में बहुत एक्सपीरियंस है, और आई थिंक यही एक्सपीरियंस जो है इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके सीखा है और बहुत लोगों की मदद की है, और यही मदद करने का जज्बा जो है बिजनेस में हम सबके पास रहना चाहिए। तो आप लोग भी उसी जज्बे से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और हम साथ में आप सबके बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे जरूर। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सो मच मरियम, आपको आपने इतना टाइम दिया हमारे साथ बात की, और आई थिंक आशा करते हैं कि आगे कोर्स में भी हम ऐसे और सेशंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेंगे, जैसे जैसे हमारे दोस्त भी आपको जानते जाएंगे वो और क्वेश्चंस पूछेंगे, और आई थिंक आप भी अपने एक्सपीरियंस से हमको काफी कुछ बता सकती हैं। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू आदित्य और बलजीत सर, थैंक यू आने के लिए। कल मिलते हैं, इस हफ्ते का लास्ट वेबिनार होगा कल, और मंडे से फिर हम अपने पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जो हम एंटरप्रेन्योरशिप पायलट में कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर अटेंडेंस कब लगेगी, कब कंपलसरी होगी, तो ये सब हम आपको कल वेबिनार में क्लियर कर देंगे, और मंडे से हम आपको वीडियोस भी भेजना शुरू करेंगे, और फिर प्रॉपर आपकी एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई होगी। गुड नाइट सबको, और बाय बाय बाय।